नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। हम धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे होमवर्क की संख्या कम होती जा रही है क्योंकि लोगों को बहुत इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति हैं जिन्हें हाउ टू ट्रीट अ कार्सिनोमा, हाउ टू ट्रीट अ डायबिटीज, हाउ टू ट्रीट अ एंडोक्राइनल डिसऑर्डर, इस तरीके के डिसऑर्डर उनको ट्रीट करने हैं। सो हमने ऑर्गेनन में तो सीखा कि इस तरीके के डिसऑर्डर हनीमैन मानते ही नहीं है। मालूम चल रहा है, हनीमैन नहीं कहते हैं कि डायबिटीज हो तो ऐसा करो, कि कार्सिनोमा हो तो ऐसा करो, ये हो तो वैसा करो। हनीमैन एक ही बात करते हैं, टेक अ केस, गिव सिमिलिमा। मालूम चल रहा है, केस लीजिए, टोटालिटी बनाइए, और टोटालिटी बना के उस टोटालिटी के साथ जो भी मेडिसिन मैच हो, जो हेल्दी ह्यूमन के ऊपर प्रूव हुई हो और आप जानते हो, वैसी मेडिसिन दे दीजिए, उसको उस केस के लिए सिमिलिमम कहा जाता है। लेकिन अब हम वो सब रूटीन डेज में तो ठीक है, लेकिन हम ऐसे केसेस देखते हैं जिन केसेस के अंदर वाइटालिटी बहुत लो हो चुकी है। यानी कि एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि कैंसर, ठीक है, वाइटालिटी बहुत लो है, कोई भी पीक्यूआरएस सिम्टम मिल नहीं पा रहे हैं, पेशेंट को जनरलिटी पे सब सेंसेशन एंड फंक्शन नॉर्मल है, वाइटल फोर्स ने क्या किया है, सिर्फ अपना एक पार्ट सैक्रिफाइस कर दिया है, किलो रेक्टम को सैक्रिफाइस करो। यानी कि वो ट्यूमर होगा वो रेक्टम में ही होगा, रेक्टम के ही कुछ दो तीन चार पांच सिम्टम मिलेंगे, बाकी डिजायर, एवर्जन, थर्स्ट, स्लीप, सब कुछ नॉर्मल मिलेगा। क्यों? क्योंकि वाइटल फोर्स ने मायाजम के साथ संधि की कि तुम मुझे बाकी सब करने दो, मैं तुम्हें थोड़ा सा पार्ट दे देता हूं, वो तुम रख लो। इसीलिए इस प्रकार के डिसीजेस को हनीमैन क्या कहते हैं? कौन से डिसीजेस? जनरल डिसीज या लोकल डिसीज? यस, ये सब लोकल डिसीज है ना, मालूम चल रहा है। तो ये सब लोकल डिसीज हैं, और ऐसे डिसीज कि जिनमें वाइटालिटी एकदम लो है, तो अब इनमें क्या करना चाहिए? हमें सिम्टम ही नहीं मिल रहे हैं, हमें दो तीन चार सिम्टम मिलेंगे जो भी पर्टिकुलर पार्ट से ही रिलेटेड हैं, कि एनोरेक्टल कार्सिनोमा है तो स्टूल का सिम्टम मिला, डिस्चार्ज का सिम्टम मिला, दूसरा एक और एक दो सिम्टम मिला, बाकी कुछ सिम्टम नहीं मिल रहे हैं। तो इधर उसको आप कार्सिनोमा बोलेंगे, डायबिटीज बोलेंगे, हाइपरटेंशन बोलेंगे, या कुछ और बोलेंगे, सभी केसेस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कैंसर भी है लेकिन आपको अल्टर्ड सेंसेशन एंड फंक्शन जनरल लेवल पे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाइटल फोर्स अभी स्ट्रांग है, युद्ध चल रहा है, डिसीज लोकल नहीं हुआ है। मालूम चल रहा है, डिसीज लोकल नहीं हुआ है अभी, जनरलिटी के तो मतलब मायाजम के साथ वाइटल फोर्स लड़ रहा है। लेकिन अगर किसी एक जगह पे ही डिसीज लोकेट हो गया, दूसरा सब कुछ नॉर्मल है, मालूम चल रहा है, बाकी के कुछ सिम्टम नहीं मिल रहे हैं आपको, केस में सिर्फ उस पर्टिकुलर जगह के ही दो तीन सिम्टम मिल रहे हैं, तो इन प्रकार के डिसीजेस को क्या कहा जाता है? लोकल डिसीज। जरूरी नहीं है कि कैंसर या वाट्स या ट्यूमर या डायबिटीज या हाइपरटेंशन या डिसलाइपिडेमिया, इस तरीके के डिसीज या एंडोक्राइनल डिसऑर्डर, यही लोकल डिसीज हो। अगर इनमें भी जनरलिटी के सिम्टम आपको अल्टर्ड मिलते हैं तो ये लोकल डिसीज नहीं है, मालूम चल रहा है। लेकिन अगर आपको रिंगवर्म का केस भी मिलता है लेकिन जनरलिटी के ऊपर सब कुछ ऑल वेल है, सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट या दो पार्ट या तीन पार्ट या सिर्फ स्किन के ऊपर आपको रिंगवर्म मिलता है और उसके दो तीन चार सिम्टम मिलते हैं, तो उस रिंगवर्म को भी आपको क्या कंसीडर करना है? एज अ लोकल डिसीज। मालूम चल रहा है। और जब लोकल डिसीज ही मिल रहा है, लोकल डिसीज का मतलब क्या हुआ कि जनरलिटी पे कोई आपको अल्टर्ड सेंसेशन एंड फंक्शन नहीं मिलेंगे, सिर्फ लोकल पार्ट के ऊपर ही डिस्टर्बेंस मिलेगा, तो उस टाइम को आपको साइन एंड सिम्टम कितने मिलेंगे? बहुत ज्यादा कि बहुत कम? युद्ध चल रहा है, एग्जांपल के तौर के ऊपर सम्राट अशोक थे जो मगध के साम्राज्य में राज कर रहे थे, उनका और कलिंग का युद्ध चल रहा है। तो जब युद्ध चल रहा है तब आपको ज्यादा चीखें सुनाई देंगी, ज्यादा अशांति सुनाई देगी, या तो सम्राट अशोक ने कलिंग को बोल दिया कि एक काम करो, कलिंग वालों ने सम्राट अशोक को बोल दिया कि एक काम करो, ये थोड़ा सा कलिंग का पार्ट है वो हम आपको दे देते हैं लेकिन युद्ध खत्म करो, और सम्राट अशोक ने उतना पार्ट ले लिया, तब आपको ज्यादा चीखें, ज्यादा खून खराबा सुनाई देगा। कब सुनाई देगा? युद्ध शुरू है तब। यानी कि जब युद्ध कब तक शुरू रहेगा? जब तक कलिंग वालों में स्ट्रेंथ है। मालूम चल रहा है,
जब तक वाइटल फोर्स में स्ट्रेंथ है तब तक जनरलिटी पे अल्टर्ड सेंसेशन एंड फंक्शन मिलेंगे, लेकिन एक बार वाइटल फोर्स थक गया, हार गया कि अब तो युद्ध नहीं कर सकते और युद्ध करेंगे तो हम हार जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, संधि, सैक्रिफाइस, वो पर्टिकुलर एक पार्ट दे देंगे और तब जाके पैदा होगा लोकल डिसीज। और लोकल डिसीज में वाइटल फोर्स का स्ट्रेंथ कम है तो वहां पे आपको कौन से सिम्टम ज्यादा मिलेंगे, डिस्पोजिशन के कि डेविएशन के? मालूम चल रहा है, वहां पे दो तीन सिम्टम ही मिल रहे हैं जो पर्टिकुलर पार्ट को रिलेटेड हैं। लाइक आपको ऐसा पेशेंट आता है कि जिसको सीकेडी है, बाकी सब कुछ बराबर है डॉक्टर साहब, सिर्फ पेशाब का ही तकलीफ है और क्रिएटिनिन बड़ा रहता है, भूख तरस जाड़ा पेशाब ऊंघ सब कुछ अच्छा है और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। लेकिन यूरिन में है ना बहुत बर्निंग होता है और ऐसा बर्निंग होता है कि यूरिनरी मिएटस है जो आगे का भाग है वहां पे मुझे पूरी स्किन छिल जाती है। मालूम चला आपको सिम्टम कहां से मिले, पर्टिकुलर पार्ट से। मेडिसिन कैन बी कॉपाइवा। अभी परसों ही उस एक पेशेंट में इसी सिम्टम के ऊपर कोपाइवा प्रिस्क्राइब किया था और उनका फॉलोअप आया बहुत अच्छा है। मालूम चल, और नॉन केस ऑफ डायबिटीज, तो शुगर वाला यूरिन है, एक्रिड यूरिन है और इतना कि वो एक्सकोरिएट कर देता है पार्ट को, दूसरे कुछ सिम्टम नहीं मिल रहे थे। हम आपको अभी तक 70-75 मेडिसिन का अपना एक्सपीरियंस बताया है, वो क्यों आपको होमवर्क करने का हम कह रहे थे, उसका कारण था कि वो सब पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, ज्यादातर कंडीशन में वही प्रिस्क्राइब करना है जब जनरल लेवल के ऊपर डिसीज आता है तब, लेकिन जब डिसीज लोकल लेवल के ऊपर आता है तब वाइटल फोर्स की स्ट्रेंथ ही इतनी नहीं होती कि वो जनरल सिम्टम में अल्टरेशन पैदा कर सके, तो वहां पे लोकल सिम्टम के अंदर ही अल्टरेशन होंगे और लोकल सिम्टम के ऊपर अल्टरेशन होंगे तब इस तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। मालूम चल रहा है, अभी तक हमने आपको ये सब चीजें नहीं बताई है, इनका एक ही कारण है, लर्निंग इज अ प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय सीखता जाना है। आज हमारे एक जो ऐसे व्यक्ति हैं जो रेगुलर होमवर्क कर रहे हैं और उनको डायबिटीज एवं कैंसर के ऊपर सीखना है, इसीलिए हमने ये शुरू किया। मालूम चल रहा है, अब आपको बर्निंग मिला, एक्सकोरिएशन मिला और हॉट पैशन मिला, तो उस केस में कोपाइवा की जगह सल्फर भी डिस्क्राइब की जा सकती है। मालूम चल रहा है, लेकिन पैशन का वाइटल फोर्स ही इतना वीक है कि जनरल लेवल के ऊपर अल्टरेशन नहीं है, साफ ठंडी भी अच्छी लगती है, गर्मी भी अच्छी लगती है, खाने पीने में भी सब नॉर्मल है, कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ आपको एज अ पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर दो तीन सिम्टम मिल रहे हैं। आपको मिला एनोरेक्टल कार्सिनोमा, फिशर एट एनस एंड प्रोफाउंड पेन, इतना पेन कि पेशेंट बैठ नहीं सकता है, कौन सा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे? मेडिसिन कैन बी रटानिया, मेडिसिन कैन बी नाइट्रिक एसिड। मालूम चल रहा है, दो कंडीशन में इस तरीके के प्रिस्क्रिप्शन किए जा सकते हैं। कंडीशन नंबर एक, कुदरत के द्वारा निर्मित की हुई कंडीशन, मतलब कि डिसीज ही लोकल है, आपको मेहनत करने के बावजूद दूसरे कुछ सिम्टम नहीं मिल रहे हैं, तब आप उसको एज अ एक्यूट स्टेट लोकल डिसीज परसीव करते हैं और उसको ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन हम फिर से कह रहे हैं इंडिकेशन मिलने चाहिए, विदाउट इंडिकेशन कुछ प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है। और दूसरी कंडीशन ऐसी कि जब आपको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है, आर्टिफिशियल कंडीशन, आप दूसरे कुछ सिम्टम नहीं ले रहे हैं, आपको जनरल लेवल के ऊपर भी सिम्टम्स मिल रहे हैं फिर भी आप उनको अवॉइड करते हैं और आप सिर्फ दो तीन ये पर्टिकुलर सिम्टम लेके उस डिसीज को आप परसीव लोकल डिसीज करते हैं, वो लोकल डिसीज है नहीं। हमारी बात पहुंच रही है आप तक? जनरल लेवल के ऊपर भी अल्टरेशन मिल रहे हैं लेकिन आपको लेने नहीं है, या तो हमें लेना नहीं आ रहा है या तो हमें स्पेसिफिक मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करनी है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, ताकि पेशेंट को रिलीफ मिले, पेशेंट टिका रहे, पेशेंट को हमारे अंदर ट्रस्ट आए, कुछ भी कारण हो सकते हैं कारण, लेकिन हम उसको आर्टिफिशियली लोकल डिसीज परसीव करते हैं। मालूम चल रहा है, और तब हम उसे ऐसी रटानिया या नाइट्रिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योर नहीं मिलेगा। मालूम चल रहा है, क्यों? क्योंकि जनरलिटीज के ऊपर सिम्टम मिल रहे हैं, उससे अच्छी सिनिलिमम आपको मिल सकती है, फिर भी आप उसको कुछ भी करके लोकल परसीव करने के ऊपर ही तुले हुए हो, इसीलिए। मालूम चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ऑन स्टेट।
मालूम चल रहा है, जो मायाजम का और वाइटल फोर्स का जो संधि हुआ है उसकी तहत आपको जो सिम्टम्स मिले हैं उन्हीं सिम्टम के बेस के ऊपर प्रिस्क्राइब करना, और इसी तरीके की बात हम एक्यूट डिसीज में करते हैं। मालूम चल रहा है, एक्यूट डिसीज में हम क्या कहते हैं, एक्यूट टोटालिटी बनाइए और उसके मुताबिक प्रिस्क्राइब कीजिए। तो वो आपके पास पेशेंट आया, डॉक्टर साहब मुझे अस्थमा की बहुत तकलीफ है, सांस फूल जा रही है, रात को 12 बजे सांस फूल जाती है और मुझे थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना पड़ता है, इतना ही आपको बोला, कौन सा मेडिसिन देंगे? आर्सेनिक आर्ग ना। लेकिन वो मेडिसिन किसके लिए है? जब पेशेंट आपके लिए आया है तब के सिम्टम के लिए, वो एक्यूट स्टेट है। मायाजम जो लेटेंट फॉर्म में था वो एक्सप्रेसिव फॉर्म में आया है। मालूम चल रहा है, जो लेटेंट फॉर्म में था वो एक्सप्रेसिव फॉर्म में आया है, तो उसको आपने सबसाइड किया, लेकिन लेटेंट नहीं हो जाएगा उससे। आपको जनरलिटीज के सिम्टम लेके पूरा टोटालिटी बना के सिमिलिमम उसको देना पड़ेगा, तब वो मायाजम डिलोड होगा। डिलोड होगा मतलब कि उसका जो मायाजमेटिक लोड है वो कम होगा, ये मायाजम में भी आएगा। लेकिन हमें अभी हमारे जो व्यक्ति हैं जो रेगुलर होमवर्क करते हैं तो उनको सीखना है, तो उसके लिए हम अभी से सिखा रहे हैं। सो आप भी होमवर्क करेंगे तो आपके ही फरमाइशें भी पूरी की जाएंगी, लेकिन होमवर्क इज नेसेसरी। उसके बगैर आप कहेंगे कि ये सिखाओ वो सिखाओ, नहीं, आप अपनी तरफ से दीजिए, ठीक है। तो मायाजम क्या होगा कि हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि किसी के अंदर 500 ग्राम मायाजम है, ठीक है, और उसको फिर उस मायाजम ने लेटेंट फॉर्म में से एक्सप्रेसिव फॉर्म में वो मायाजम आ गया और उसने अस्थमा का दिक्कत पैदा किया, तो आप तब कौन से सिम्टम लेंगे, डेविएशन के कि डिस्पोजिशन के? डेविएशन के ना। अभी जो जो चेंजेस आए हैं वो सिम्टम लेके अगर आपने टोटालिटी बना के दवाई दी तो वो मायाजम 500 ग्राम का 500 ग्राम ही रहेगा, लेकिन जो उसका एक्यूट एक्सप्रेशन था वो सबसाइड हो जाएगा। जैसे ही दूसरा एक्साइटिंग को जाएगा वो 500 ग्राम वाला मायाजम फिर से आपको कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। वो अस्थमा भी हो सकता है, एक्जिमा भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, उससे लेना देना नहीं है। उसी तरीके से क्यों? क्योंकि आप डिस्पोजिशन को नहीं डेविएशन को ट्रीट कर रहे हैं। उसी तरीके से जब आप लोकल डिसीज को ट्रीट करते हैं, एग्जाम्पल तौर के ऊपर आपको एनोरेक्टल कार्सिनोमा का केस मिला है जिसमें आपको दो तीन ही सिम्टम मिलते हैं, एनोरेक्टल कार्सिनोमा, पेन, बहुत पेन है, बैठा नहीं जा रहा है, फिसर, और उसके अंदर 1000 ग्राम मायाजम है, उस 1000 ग्राम मायाजम ने ये एक्सप्रेस किया है, ठीक है। तो आप जब उनको रटानिया या नाइट्रिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं तो क्या होगा, वो पेन कम हो जाएगा, फिसर कम हो जाएगा, बन सकता है कि वो एनोरेक्टल कार्सिनोमा भी थोड़ा कम हो सके, लेकिन जो मायाजम है वो 1000 ग्राम का 1000 ग्राम ही रहेगा। जैसे ही दूसरा कुछ भी एक्साइटिंग कॉज आया, उसने फिर से कुछ खाने पीने में गड़बड़ की, बाहर का खा लिया, सीजन चेंज हुई, कुछ स्ट्रेस हुआ, तो उसको फिर से फिसर प्रोड्यूस होंगे, उसको फिर से वही पेन प्रोड्यूस होगा। मालूम चल रहा है, तो जब आपको कैंसर, डायबिटीज ऐसी कंडीशन ट्रीट करनी है तब आपको ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन का भी ख्याल होना मांगता है, और वो स्पेसिफिक मेडिसिन आपको सिर्फ उस एक्यूट या उस लोकल डिसीज को ट्रीट करने के लिए वो सिर्फ सबसाइड कर देती हैं, रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन उनसे नहीं मिलेगा। मालूम चल रहा है, रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन कब मिलेगा, जब वो 1000 ग्राम मायाजम है वो डिलेड होके 950 ग्राम होगा, उसमें से 900 ग्राम, 800 ग्राम, 500 ग्राम होके लेटेंट फॉर्म में जाएगा, तब आपको क्योर मिलेगा। जो आपके अस्थमा वाले पेशेंट का मायाजम 500 ग्राम था, मायाजम को ग्राम में नहीं नापा जाता है, हम आपको समझ में आ जाए इसीलिए कहते हैं। अब आपने उस अस्थमा वाला मरीज है उसकी पूरी डिटेल केस टेकिंग करके टोटालिटी बना के जिसमें डेविएशन प्लस डिस्पोजिशन दोनों के सिम्टम इंक्लूड किए हैं और तब आप प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो मेडिसिन से क्या होगा, मायाजम धीरे धीरे लेटेंट फॉर्म की ओर बढ़ेगा, 500 में से 499, 490, 480, 450, 400, 350, 300, 200 और लेटेंट फॉर्म। मालूम चल रहा है, तो फिर कोई भी छोटा सा एक्साइटिंग कॉज आएगा ना तो उसको वापिस दिक्कतें शुरू नहीं होने वाली है। मालूम चल रहा है, उसी तरीके से जो एनोरेक्टल कार्सिनोमा वाला पेशेंट है उसको आपने एक्यूट तो सबसाइड कर दिया, लेकिन अब उसको आपको क्योर की तरफ ले जाना है तो आपको उसके पूरे साइन इन सिम्टम लेने पड़ेंगे, पेशेंट एज अ होल ट्रीट करना पड़ेगा। मालूम चल रहा है, लोकली ट्रीट नहीं करना है,
लेकिन जब आपको पेशेंट एज अ होल के दूसरे कोई सिम्टम ही नहीं मिलते हैं, जब आपको सिम्टम इतने मिलते हैं तो आपकी टोटलिटी में यही मेडिसिन आएंगी, मालूम चल रहा है। और दूसरी कंडीशन ऐसी है कि यही मेडिसिन लाने के लिए आप दूसरे सिम्टम को टोटलिटी में लेते हैं, मालूम चल रहा है। ये दो कंडीशन है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऐसा करते हैं कि बहुत पेन के साथ पेशेंट आया है, फिशर है, तो पहले उसको दो दिन तीन दिन रटानिया देते हैं, पेन सबसाइड हो गया उसके बाद केस लेके अनदर मेडिसिन देते हैं। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, सही और गलत सबकी अपनी अपनी धारणाएं होती हैं, मालूम चल रहा है। तो आपको हमने अभी तक जो 70-75 मेडिसिन डिस्कस की वो किसके लिए है, वो सब पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, यानी कि जनरलिटी से पर्टिकुलर से मेंटल सब तरह के इंडिकेशन उसमें मिलते हैं। लेकिन जब कोई भी इंडिकेशन नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ लोकली दो तीन इंडिकेशन मिलते हैं, तब उन तरह की मेडिसिन टोटालिटी में नहीं आती है। तो अगर आपको कार्सिनोमा, डायबिटीज, ऐसे स्पेसिफिक जो डिसीजेस हैं, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर, इन सब के ऊपर प्रैक्टिस करना है, तो सिर्फ पॉलीक्रेस्ट से या सिर्फ 70-80 मेडिसिन से काम नहीं चलेगा, तब आपको ऐसी मेडिसिन भी आनी चाहिए। और उसी के लिए हम आज अपना पहला मेडिसिन ले रहे हैं। मेडिसिन का नाम है एरम ट्रिफाइलम। हमने बहुत प्रिस्क्राइब नहीं किया है, शायद एक केस में, हम कह रहे हैं हमें बहुत कुछ अनुभव नहीं है, लेकिन हम भी सीख रहे हैं धीरे धीरे, मालूम चल रहा है। पहले तो आपको क्लियर हुआ डेविएशन एंड डिस्पोजिशन, लोकल डिसीज, एक्यूट डिसीज एंड द ट्रीट एज अ पेशेंट एज अ होल, इन सब का डिफरेंस क्लियर हुआ। हनीमैन तो ऐसा ही कहते हैं कि हर बार पेशेंट एज अ होल ही ट्रीट करो, लेकिन पेशेंट एज अ होल के सिम्टम नहीं मिलते हैं, वाइटल फोर्स इतनी स्ट्रेंथलेस कंडीशन में आ गया है, इतना वीक हो गया है कि वो पेशेंट एज अ होल के कोई सिम्टम ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तब हमें जो सिम्टम मिलते हैं उन सिम्टम के ऊपर प्रिस्क्राइब करो। फिर दो चार सिम्टम ये चले जाएंगे, दूसरे आएंगे, जिगजैग पैटर्न ऑफ क्योर मिलेगा हमें। वो जब एपोरिज्म आएंगे तब तो हम समझने वाले ही हैं, लेकिन एरम ट्रिफाइलम समझाने से पहले ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ समझ में ना आ रहा हो, ऐसा ख्याल आवे छे बधाने शू कहू छू हूं, कि જ્યારે તમને કંઈ જ નથી મળતું, તમને એવું મળે છે એક્રિટ ડિસ્ચાર્જ છે, કાર્સિનોમા છે, મેલિગ્નન્સી છે, હાલમાં છે ને ઇરિટેબિલિટી છે, આવું જો ઇરિટેબિલિટી કે અંદર આપકો 550 મેડિસિન મિલેંગી ના, યે કોઈ મેન્ટલ સિમ્પટમ હે લેકિન યે કોઈ પિક્યુલિયર સિમ્પટમ નહીં હે, જબ આપકો પિક્યુલિયર સિમ્પટમ કમ મિલતે હે તબ ઉસી ડિસીઝ કો લોકલ ડિસીઝ કહા જાતા હે, માલૂમ ચલ રહા હે। वाइटल फोर्स की स्ट्रेंथ जहां कम होती है, तो तब आपको इस तरीके की छोटी पार्शियल प्रूव्ड मेडिसिन और क्लिनिकली टेस्टेड मेडिसिन का प्रयोग करना होता है। क्लियर हो रहा है, हर बार नहीं हा? और इसका मतलब ये कतई ही नहीं है कि ऐसी जगहों पे सल्फर, नक्सवामी का, लाइकोपोडियम का प्रयोग नहीं होता है, हो सकता है। ये अच्छे रिजल्ट और अच्छे रिजल्ट पाने के लिए है। अच्छे रिजल्ट आपको जो 70 मेडिसिन हमने आपके साथ डिस्कस किया उससे आप प्रैक्टिस को बिगिन कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। लेकिन उससे भी जब आपको आगे करना है तब इस तरह की मेडिसिन पढ़ना है। लेकिन फिर भी टोटालिटी में अगर आप जो टोटालिटी बनाते हैं उसके अंदर आपको जनरलिटी के ऊपर अल्टरेशन मिलता है, तो ये सब मेडिसिन आउट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनका प्रूविंग नहीं हुआ है उतना, मालूम चल रहा है। जितना प्रूविंग लैकेसिस या सल्फर का हुआ है उतना एरम ट्रिफाइलम का नहीं हुआ है, तो इसके हमें बहुत जनरलिटीज के, जनरल अल्टरेशन के सिम्टम नहीं मिलने वाले हैं, मालूम चल रहा है। तो दूसरा भी एक काम कर सकते हैं, ड्रग प्रूविंग कंडक्ट करके सभी मेडिसिन को एक्सटेंसिव लेवल तक प्रूव करना, पता चल रहा है, क्लियर हुआ, तो हम आगे एरम ट्रिफाइलम में आगे बढ़े। नहीं तो हम अभी आपके डाउट्स क्लियर करें, ये क्लियर नहीं होगा तो आप और कंफ्यूज होंगे, और हमारे व्याख्यान कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, क्लियर करने के लिए। हम कुछ नया नहीं सिखा रहे हैं, जो भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुए हैं, जो भी कचरा हमारे दिमाग में आ गया है उसको हमें साफ करना है, क्लियर हुआ। कब कब ऐसी मेडिसिन सोचनी है, हर कंडीशन में नहीं सोचनी है। जितनी फ्रीक्वेंटली क्लिनिक के अंदर सल्फर, लाइकोपोडियम, लेकेसिस, पल्सेटिला, सेपिया, कालिका ये सब मेडिसिन प्रिस्क्राइब होंगी, उतनी फ्रीक्वेंटली ऐसी छोटी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि हनीमैन ने कहा है कि पूरा सिम्टम का टोटालिटी बनाओ, और टोटालिटी के साथ ऐसा मेडिसिन मैच करो कि जो उस टोटालिटी के सबसे नियर बाय आता हो। अब इनकी सिम्टम और उसके अंदर इनटू ब्रैकेट हनीमैन ने क्या लिखा है,
ऐसी मेडिसिन जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर प्रूव हुई हो और होम्योपैथ जानता हो, मालूम चल रहा है? होम्योपैथ जानता हो, मालूम चल रहा है? तो एरम्ट्रेफाइलम प्रूव ही कम हुई है, सल्फर प्रूव ज्यादा हुई है, तो क्लिनिक के अंदर ज्यादा कौन सी प्रिस्क्राइब होएगी? सल्फर। एरम्ट्रेफाइलम हम कम जानते हैं, सल्फर की सिम्टोमेटोलॉजी ज्यादा जानते हैं, तो कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब होगी? मालूम चल रहा है? तो सल्फर को या लाइकोपोडियम लेकेसिस पल्सेटिला को अवॉइड करके हमें नहीं, मुझे नया मेडिसिन देना है, ऐसे करके एरम्ट्रेफाइलम प्रिस्क्राइब नहीं करना है। हाँ, जब इसके कुछ 2-3-4 स्पेसिफिक इंडिकेशन मिल रहे हैं और डिसीज लोकल हो चुका है, अगेन डिसीज लोकल हो चुका है, या तो आपकी टोटालिटी में सिर्फ डेविएशन के ही सिम्टम हैं, एक्यूट डिसीज हैं, एक्यूट एग्जासर्बेशन हैं, उस स्टेट को लोकल सिम्टम्स को सबसाइड करने के लिए ही ऐसी मेडिसिन का प्रयोग होता है। हमने अपने अनुभव में आज तक ऐसा केस नहीं देखा है कि एरम्ट्रेफाइलम से कभी कोई पेशेंट मरीज क्योर की तरफ बढ़, मतलब एक ही मेडिसिन दिया एरम्ट्रेफाइलम और क्योर हो गया, मालूम चल रहा है? हमने अभी तक नहीं देखा है, हो सकता है, लेकिन सल्फर एक मेडिसिन दिया और क्योर हो गया, या तो वो जो भी चीफ पैथोलॉजी थी वो चली गई, ऐसे बहुत से केसेस हमने देखे हैं और हमारी प्रैक्टिस में भी हैं, मालूम चल रहा है? तो ये सल्फर का या लाइकोपोडियम लेकेसिस का विकल्प नहीं है, इसकी अपनी जगह है और उस जगह पे ही प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। क्लियर? इंडिकेशन चिली, ऑल डिस्चार्जर्स एक्रीड एंड एक्सकोरिएटिंग द पार्ट। हमने आपको जो कोपाइवा का इंडिकेशन बताया, सेकंड मेडिसिन इज एरम्ट्रेफाइलम, ऑल द डिस्चार्जर्स एक्रीड एंड एक्सकोरिएटिंग द पार्ट। एक्सकोरिएटिंग मतलब क्या? छिल जाना, वहां पे रॉनेस हो जाना, ऊपर का जो चमड़ी का हिस्सा है वो निकल जाना। अगर ल्यूकोरिया है और एक्सकोरिएटिंग एक्रिड ल्यूकोरिया है तो वहां पे भी एरम्ट्रेफाइलम सोचा जाता है। डायरिया एक्सकोरिएटिंग है तो भी एरम्ट्रेफाइलम, छोटा बच्चा है आता है आपके पास, डॉक्टर साहब बहुत एक्सकोरिएटिंग डायरिया है, वहां पे जगह छील जाती है, एक्रिड है, इतने एक्रिड की वो जगह पे बहुत दर्द होता रहता है, दूसरा कुछ नहीं मिल रहा है, तो वहां पे एरम्ट्रेफाइलम सोची जा सकती है। आपके पास पेशेंट यूटेराइन ट्यूमर या यूटेराइन कार्सिनोमा के साथ आता है, डॉक्टर साहब बहुत डिस्चार्ज हो रहा है और बहुत एक्रिड डिस्चार्ज है, मालूम चल रहा है? इतना एक्रिड कि वो जगह पे वो पार्ट है वो छिल जाते हैं, वहां पे रेडनेस हो जाती है, मालूम चल रहा है? या तो लिनन्स के अंदर वो होल्स हो जाते हैं, इतना एक्रिड है, तो वहां पे दूसरे कुछ सिम्टम नहीं मिल रहे हैं, तो वहां पे उस स्टेट को सबसाइड करने के लिए, उस लोकल डिसीज के लोकल सिम्टम को सबसाइड करने के लिए एरम्ट्रेफाइलम सोचा जाना चाहिए। रॉ फीलिंग, अब एक्सकोरिएटिंग डिस्चार्ज है तो ऊपर का चमड़ी का हिस्सा चला जाएगा तो कैसी फीलिंग आएगी? रॉ फीलिंग। दूसरी कौन सी मेडिसिन है रॉनेस एंड सॉरनेस? कॉस्टिकम, वेरी गुड। और यस, सोर लैम रुइस फीलिंग, आर्निका, मालूम चल रहा है? अब इन सब के साथ एरम्ट्रेफाइलम भी सोचा जाना चाहिए। पता नहीं है एक फैमिली से भी आते हो, हमें उस चीज का नॉलेज नहीं है, हो सकता है कि आर्निका और एरम्ट्रेफाइलम नजदीकी फैमिली से या एक फैमिली से हो सकते हैं, लेकिन उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, प्रूविंग के अंदर ये सिम्टम मिले हैं, हमें ये याद रखना। रॉ फीलिंग इन चेस्ट, लंग, कॉकिंग्स, रूप ऑफ पैलेट, रॉ स्पॉट इवन द of the finger with which the patient bores, digs and scratches। अब आपके पास patient आता है, उनको carcinoma, even black fungus है, example के तौर के ऊपर हम लेते हैं, palate के अंदर black fungus है, मुंह में से saliva, बहुत acrid saliva, इतना acrid कि यहाँ पे सब उसको सब excoriation हो जाता है और raw feeling आती है, दूसरा कुछ नहीं मिलता है, medicine can be orotrifilum at that time। मालूम चल रहा है किस तरीके ये सोच आपके अंदर इम्प्लांट करनी है, वही गुरुकुल है। दवाइयां आपको कोई भी बता सकता है, कहीं से भी आप सीख सकते हैं, कहीं से भी आपको रॉ फीलिंग मिले तो वहां पे एरम्ट्रेफाइलम सोचना है। इचिंग विथ पेनफुल टिंगलिंग एंड टिकलिंग इन द रॉ सरफेस। अब सर्दी जुखाम का मरीज है, छोटा बच्चा है, नाक में से पानी बह रहा है, बार 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 उसको उसकी मम्मी साफ कर देती है और उसको यहाँ पे सब कुछ लाल 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 हो गया है और बच्चा फिर भी ऐसे 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 खुज जाता रहता है, दूसरा कुछ सिम्टम नहीं मिल रहा है, मेडिसिन कैन बी एरम्ट्रेफाइलम, मालूम चल रहा है?
आपके पास मरीज हैं जिनको साइनस का दिक्कत है, बहुत सालों से साइनस का दिक्कत है, ओल्ड एज है, दूसरे कुछ सिम्टम नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ इतना ही कहते हैं साइनस है और उसमें से देखो ये जुकाम हो रहा है और मुझे खुजान आती है और ये सब मुझे दुख रहा है, तो वहां पे मेडिसिन कैन बी एरम ट्रिफाइलम। जब दूसरे कोई सिम्टम नहीं मिल रहे लेकिन मुझे एरम ट्रिफाइलम देना है, आप बोलो कि मुझे इधर खुजान आ रही है और ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं करना। मालूम कर ले दूसरे इंडिकेशन मिलते हैं, इसी के साथ हमें मिलता है कि मरीज हॉट है, स्वीट डिजायर है, बहुत क्रेविंग फॉर स्वीट है, आगे स्किन डिसीज सप्रेस किए हुए हैं, तो मेडिसिन कैन बी सल्फर। मालूम चल रहा है किस तरीके की सोच डेवलप करनी है, वो हम आपको एग्जांपल के साथ दे रहे हैं। कॉन्स्टेंट रिकलिंग एट द नोज लिप्स एंड द रो एंड सोर सरफेस अंटिल पार्ट्स ब्लीड येट द इरिटेशन एंड स्क्रैचिंग कंटिन्यू। ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा का मरीज है, ठीक है, उसको लिप्स के ऊपर और सब जगह पे ऐसे कार्सिनोमा का ट्यूमर्स डेवलप हुआ है, उस कंटिन्यू खुजाता रहता है, ऐसे चमड़ी का भाग तोड़ता रहता है जब तक कि उसमें से खून ना आ जाए, और खून आ जाए तो अच्छा लगता है, दूसरा कुछ नहीं मिल रहा है, और मैं उस जगह पे मेडिसिन कैन बी एरम ट्रिफाइलम। मालूम चल रहा है कहीं से भी ऐसा होगा। अब वजाइनल कार्सिनोमा है तो वहां पे भी वो एचिंग करता रहता है, स्क्रेचिंग करता है और ब्लीड करता है, तो मेडिसिन कैन बी एरम ट्रिफाइलम। मालूम चल रहा है स्किन कैंसर है, कौन सा कैंसर, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है, और वहां पे भी ऐसा ही होता है कि पेशेंट उसको कंटिन्यू खुजाता है, पेन होता है, रॉ सरफेस है और उसमें से ब्लीड करता है तो अच्छा लगता है, तो मेडिसिन कैन बी एरम ट्रिफाइलम। मालूम चल रहा है आपको जब कार्सिनोमा ट्रीट करना है तो इस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। आपके पास मरीज आता है जिसको डायबिटीज है और वो यूरिन में कंटिन्यू उसको इतना एक्रिड यूरिन है कि उसको पार्ट एक्सकोरिएट हो जाता है और वो यूरेथ्रा को कंटिन्यू इच करता है टिल ब्लीड इच करता है, मेडिसिन कैन बी एरम ट्रिफाइलम एट दैट टाइम। मालूम चल रहा है अगर आपको डायबिटीज ट्रीट करना है तो इस तरीके से भी डायबिटीज के मरीजों को ट्रीट किया जा सकता है। उसी तरीके से एंडोक्राइनल डिसऑर्डर, कोई भी डिसऑर्डर ले लीजिए, लेकिन सिम्टम्स ये इंडिकेशन मिले तब ही एरम ट्रिफाइलम प्रिस्क्राइब करना है, अन्यथा नहीं करना है। शायद नेल बाइटिंग का बहुत अच्छा मेडिसिन है, इसमें नहीं लिखा है लेकिन हमें याद आ रहा है हमने शायद उसके ऊपर प्रिस्क्राइब किया था, छोटे बच्चे के अंदर चीफ कंप्लेन वॉज नेल बाइटिंग एंड एपिस्टेक्सिस, दो तीन सिम्टम मिले थे। यूरिन वेरी स्कैंटी और सप्रेस्ड, आपके पास सीकेडी का मरीज आता है, डॉक्टर साहब यूरिन बहुत कम आता है, बहुत कम, क्रिएटिनिन देखा तो 3 है 2.5 है और यूरिन ऐसा आता है डॉक्टर साहब कि ऐसा लग रहा है जैसे एसिड निकला हो और फिर मुझे अंदर तक खुजान आती है, मैं यूरिन का पूरा पार्ट खुजा देता हूँ, मेडिसिन फॉर दैट टाइम एरम ट्रिफाइलम इन द केसेस ऑफ द सीकेडी। आपको अगर किडनी के ऊपर प्रैक्टिस करना है, हम तो एक ही बात करते हैं, हनीमैन नहीं मानते हैं कि कोई सीकेडी हो सकता है, कोई डायबिटीज हो सकता है, कोई कार्सिनोमा हो सकता है, हनीमैन तो एक ही बात करते हैं कि ट्रीट पेशेंट एज अ होल। लेकिन अगर आपको मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ इसी तरह के कुछ ख्याल आपके दिमाग में आ गए हैं अगर, और आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमें जब तक अनुभव है तब तक आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? मैलिग्नेंट एंड सेप्टिक टाइप ऑफ अफेक्शन कैरेक्टराइज बाय द ड्रग पिक्यूलियर बॉडीली इरिटेशन इफ नॉट मेंटल इरिटेशन टू। किसी भी मैलिग्नेंट और सेप्टिक के साथ अगर आपको इरिटेशन मिलता है, सेप्टिक मतलब क्या, आपके पास पेशेंट आए हैं, ब्लड रिपोर्ट लेके आए हैं, डब्ल्यूबीसी 17,000, 18,000, 20,000 मिल रहे हैं और पेशेंट एक ही बात करते कहते हैं कि सबसे साहब जब से इसको बुखार आया ना तब से बहुत चिड़चिड़ा हो गया है और पूरे शरीर के ऊपर पता नहीं कुछ ना कुछ कर रहा है, कपड़ा ऐसे 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 कर रहा है और आप पेशेंट को सब पता नहीं सब कुछ हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, बस इतना ही मिल रहा है, तो क्या देंगे अगर कुछ सिम्टोमेटोलॉजी ही अवेलेबल नहीं है तो। उन सेप्टिक कंडीशन विच इरिटेशन, जिस तरीके से हम बहुत नहीं पढ़े हैं या नहीं सीखे हैं लेकिन डॉक्टर सुनिर्मल सरकार सर इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन करते हैं शायद, मालूम चल रहा है कि कार्सिनोमा और सेप्टिक कंडीशन विथ इरिटेबिलिटी एरम ट्रिफाइलम। मालूम चल, इरिटेबिलिटी इज अ कॉमन मेंटल सिम्टम ना, जो पिक्यूलियर नहीं है, मालूम चल रहा है, लेकिन अगर उस जब कुछ नहीं मिलता है तब कॉमन को भी पिक्यूलियर बनाना पड़ता है। क्लियर हो रहा है? तो आपके पास मलेरिया का पेशेंट आते हैं और जो इरिटेबिलिटी के साथ हैं, मलेरिया के साथ साथ भी उनको पूरे शरीर के ऊपर टिंगलिंग और टिकलिंग हो रहा है और लेम्स और
फ्ली फीलिंग है, रॉ फीलिंग है, डॉक्टर साहब पता नहीं पूरा बदन दर्द कर रहा है, आपके पास ऐसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं जो डॉक्टर साहब बहुत दर्द होता है, ऐसा होता है कि जैसे चमड़ी ही नहीं है और उसके ऊपर खुजान आ रही है कंटिन्यू, और वो जॉइंट के उस स्वेलिंग में से भी अगर ब्लीड निकाल देते हैं तो मेडिसिन कैन बी एरम ट्रिफाइल, मालूम चल रहा है। इस तरीके की सोचना है, हम आपको क्लियर कट बता दे रहे हैं, अभी तक हम ऐसा काम बहुत ही कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले पॉलीक्रेस्ट के ऊपर ग्रीप पानी चाहिए। आपके पास एरम ट्रिफाइलम का पेशेंट आके छूट गया और आपको रिजल्ट नहीं मिला तो कितने परसेंटेज का नुकसान है, और आपके पास सल्फर का पेशेंट आया आप नहीं पकड़ पाए और आपको रिजल्ट नहीं मिला तो कितने परसेंटेज का नुकसान है, वो कैलकुलेट कीजिए। पॉलीक्रेस्ट और पॉलीक्रेस्ट क्यों? क्योंकि वो पॉलीटाइम यूज होंगी, पॉलीटाइम प्रिस्क्राइब होंगी, पॉलीटाइम आएंगी, मालूम चल रहा है। पहले वो सब सीखिए, वो आने के बाद का स्टेज ये है। हम अभी तक इस तरीके का प्रैक्टिस बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन सीखना है और हमें कुछ मालूम है तो हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। मैलिग्नेंट कंडीशन आप सबको मालूम है, अगर मैलिग्नेंट रिंगवर्म है किसी जगह पे, मैलिग्नेंट सोरियासिस है, मैलिग्नेंट का मतलब क्या है कि जो पेशेंट को डेथ की ओर ले जाता है और क्योर नहीं हो पा रहा है, दूसरे कुछ सिम्टम नहीं है, बहुत खुजान आती है, इतनी खुजान की वहां पे रॉ फीलिंग लगती है, खुजा खुजा के वहां से ब्लीड निकाल देते हैं, तो मेडिसिन कैन बी एरम ट्रिफाइलम इन दैट केस ऑफ रिंगवर्म। क्लियर हो रहा है? हर बार रिंगवर्म के अंदर सल्फर सेपिया इस तरीके की मेडिसिन नहीं सोची जाती है। आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमने आज तक शायद एक या दो केस में ही टेलुरियम प्रिस्क्राइब किया है रिंगवर्म में, नहीं करते हैं। हर जगह हमें जनरल सिम्टम मिल रहे हैं, व्हाई वी कैन यूज पर्टिकुलर मेडिसिन, मालूम चल रहा है। जब वो सिम्टम नहीं मिलते हैं, सिर्फ उसी के दो तीन लोकल सिम्टम मिल रहे हैं, तब टेलुरियम प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, तब एरम ट्रिफाइलम प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। टंग सोर रेड, पेपिलाई एलिवेटेड, अपियर टू बी ऑलमोस्ट स्ट्रॉबेरी टंग, स्ट्रॉबेरी टंग का पिक्चर हमारे पास है, हम आपको फिर दिखाएंगे, पूरा लाल 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 और पेपिलाई रिएक्ट हो जाते हैं। पेम्फिगस, इम्पेटिगो, ये सब पैथोलॉजीज के नाम है, इनमें पैथोलॉजी कोई भी हो आप एरम ट्रिफाइलम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इम्पेटिगो ज्यादातर छोटे बच्चों में होता है, खुजान आती है और वो खून निकाल देते हैं, इसी के लिए इम्पेटिगो के केसेस के अंदर एरम ट्रिफाइलम ज्यादा प्रिस्क्राइब होता है। इरप्शन लीव अ ब्रिलियंट रेड स्ट्रेन, एक्सट्रीम इरिटेशन, मेंटल एंड फिजिकल इरिटेशन कहीं पे भी मिले, मेंटल और फिजिकल, एरम ट्रिफाइलम सोचना है। इनटॉलरेबल टिंगलिंग इन रॉ फ्लैश, नॉट अमिलोरेट बाय स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग करने के बाद भी अमिलोरेशन नहीं है। कॉन्स्टेंट प्रिकलिंग एट द नोज अंटिल ब्लीड, सिर्फ नोज नहीं, कहीं पे भी कॉन्स्टेंट प्रिकिंग और इचिंग कुछ भी करते रहते हैं टिल ब्लीडिंग, ये इंडिकेशन मिले तो एरम ट्रिफाइलम सोचिए। पिक लिप्स अंटिल दे ब्लीड, बाइट्स नेल अंटिल दे ब्लीड, मालूम चले आया ना, इसी के ऊपर हमने एक एक केस में शायद एरम ट्रिफाइलम प्रिस्क्राइब किया है अभी तक, और उसका भी फॉलोअप हमें नहीं मालूम है आया है कि नहीं आया है। बीइंग होम्योपैथ, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज बी जेन्यून, बी ऑनेस्ट, डिंगे नहीं हांकनी है। कॉर्नर ऑफ माउथ सोर, क्रैक्ड एंड ब्लीडिंग, क्यों? ऑल डिस्चार्ज आर एक्रिड, मालूम चल रहा है, सलाइवा भी एक्रिड, कोराइजा भी एक्रिड, एक्सपेक्टोरेशन भी एक्रिड, ल्यूकोरिया भी एक्रिड, डायरिया भी एक्रिड, मेंसिस भी एक्रिड, एक्सेसिव एक्रिड सलाइवा, थ्रोट सोर कैन नॉट सोल, अब आपके पास मरीज आता है एक्यूट कंडीशन में, सोर थ्रोट का तकलीफ है, एक्रिड सलाइवा, सोर थ्रोट, स्वेलिंग डिफिकल्ट, इतना ही आपको डेविएशन के अंदर मिला, दूसरा कुछ नहीं मिल रहा है। मेडिसिन कैन बी एरम ट्रिफाइलम इन दैट एक्यूट स्टेट ओनली, मालूम चल रहा है। एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, ये आज से एक लेवल आगे की बातें शुरू हुई हैं। अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं, होमवर्क नहीं किया है, तो आप कंफ्यूजन भी होंगे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, क्यों? क्यों? क्योंकि आपने गुरुकुल का सिस्टम फॉलो नहीं किया है, आपने लर्निंग का प्रोसेस फॉलो नहीं किया है, आपको ऐसा लगा कि ये मुफ्त में है तो फिर से देख लेंगे, फिर कभी नहीं होता है, मालूम चल रहा है। तुरंत हर रोज का होमवर्क हर रोज सबमिट कीजिए, और हमें अभी से थेरापुटिक्स के लेक्चर शुरू करने हैं, लाइव लेक्चर, और जो लोग होमवर्क सबमिट करेंगे उनको हम अलाउड करेंगे, क्योंकि एफर्ट्स दोनों तरफ से मिलने चाहिए। क्लियर? नोज स्टॉप्ड इंस्टेड ऑफ वाटरी डिस्चार्ज, स्नीजिंग एग्रावेशन एट नाइट, नाइट एग्रावेशन मिलता है,
मालूम चल रहा है डॉक्टर साहब, माँ जी को कार्सिनोमा है, पूरा दिन इसे ऐसे ऐसे निकालती रहती हैं, लेकिन रात को बहुत बढ़ जाता है, रात को पेन बढ़ जाता है। मालूम चल, मेडिसिन कैन बी अरम ट्रिफाइलम। डॉक्टर साहब यूरिन में वैसे तो थोड़ा बहुत दिक्कत रहता है, लेकिन रात का यूरिन तो इतना इतना एक्रिड होता है, और फिर उस जगह पे इतना कुजन और बर्निंग होता है जैसे वहां की चमड़ी छिल गई हो। मेडिसिन कैन बी आरम ट्रिफाइलम इन द केसेस ऑफ द डायबिटीज। क्लियर? सोरनेस ऑफ माउथ थ्रोट रो सोर पेनफुल ऑन क्लीनिंग और कफिंग येट ग्रास्प व्हेन टू स्क्रैच इट। कंटिन्यू पेन होता है फिर भी उसको स्क्रैच करने का मन होता है। अगर स्किन के ऊपर होगा तो आप ऐसे ऐसे स्क्रैच करेंगे, गले में होगा तो इस तरीके के स्क्रैच करेंगे। मालूम चल रहा है? अगर चेस्ट के अंदर होगा तो कंटिन्यू कफिंग का ट्राई करेंगे, इस तरीके से स्क्रैच करेंगे। मालूम चल रहा है? तो वो आपको देखना है। स्ट्रॉबेरी ट्रंक एफोनिया ग्लेयरमैन सॉर थ्रोट वॉइस हॉर्स स्क्विकली ब्रेक है अस्थमा। अब अस्थमा का मरीज आपके पास आता है, मालूम चल रहा है, और एक्यूट स्टेज में है, एक्यूट एक्जासर्बेशन ऑफ द क्रॉनिक डिजीज है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, और एक्रिड सलाइवेशन निकल रहा है, दूसरा कुछ नहीं मिल रहा है, नाइट के अंदर मरीज आपके पास इमरजेंसी में आया है, तो क्या करेंगे उस टाइम? नहीं नहीं नहीं, हमको फुल केस मांगता, ऐसा करेंगे नहीं, स्क्रैब एरम ट्रिफाइलम। दूसरा कुछ नहीं मिलता है तो, अगर मिलता है तो सिमिलिमम। हमारा बात क्या है? एरम ट्रिफाइलम से हमारा बात नहीं है, हमारा बात है टेक अ केस, मेक अ टोटालिटी। अगर सिम्टम डेविएशन के और लोकल जगह के मिलते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी टोटालिटी में ऐसी ही मेडिसिन आएंगी। क्लियर? पेनफुल सोरनेस रॉनेस बर्निंग ऑफ द अफेक्टेड पार्ट एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सपोजर टू नॉर्थ वेस्ट विंड एग्रावेशन फ्रॉम एक्सर्शन ऑफ वॉइस सिंगिंग टॉकिंग एंड स्पीकिंग एमिलोरेशन फ्रॉम वार्मथ। इनमें से कोई भी दूसरे कोई सिम्टम नहीं मिलते हैं और इनमें से कोई भी दो तीन चार सिम्टम मिल रहे हैं तो वो केस किसी भी पैथोलॉजी का हो आप एरम ट्रिफाइलम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर? हमें बहुत अनुभव नहीं है लेकिन इस तरीके की सोच का अनुभव है।